क्रिटिक और एक्टर के तौर पर लोगों के बीच फेमस हुए कमाल राशिद खान के आर के ने एक बड़ा ऐलान कर डाला है। के आर के ने एक ट्वीट किया है जिसे पढ़ने के बाद उनके फैंस निराश हो गए हैं। के आर के ने अपने नए ट्वीट में लिखा है कि वो सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम वेधा के बाद किसी भी फिल्म का रिव्यू नहीं करने वाले हैं। के आर के ने जैसे ही ये इस चीज से जुड़ा ट्वीट किया वैसे ही लोगों के बीच ये टॉक ऑफ द टाउन बन गया। के आर के इस ट्वीट पर कई सारे लोग कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। के आर के ने ट्वीट करते हुए लिखा, आई क्विट, विक्रम वेधा आखिरी फिल्म होगी जिसका मैं रिव्यू करूंगा। आप सभी का शुक्रिया मेरे रिव्यूज पर भरोसा करने के लिए और मुझे बॉलीवुड के इतिहास का सबसे बड़ा क्रिटिक बनाने के लिए। बॉलीवुड के सभी लोगों का भी शुक्रिया मुझे बतौर क्रिटिक न अपनाने के लिए और मेरे रिव्यूज को रोकने के लिए ढेर सारे केस करने के लिए। अपने ट्वीट के साथ के आर के ने दिल वाली इमोजी भी शेयर की है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से के आर के ने इतना बड़ा कदम अचानक से उठा लिया। कहीं इन सब के पीछे बॉलीवुड माफिया का तो हाथ नहीं? ऐसा इसीलिए क्योंकि के आर के का वक्त पिछले कुछ दिनों से खराब चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 30 अगस्त को दुबई से मुंबई उतरते ही के आर के को गिरफ्तार कर लिया गया था। FIR 30 अप्रैल 2020 को युवा सेना नेता राहुल कनाल की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जहां उन्होंने आरोप लगाया था कि KRK के ट्वीट जो कि दिवंगत इरफान खान और ऋषि कपूर से जुड़े हुए हैं उसने नफरत फैलाई है। KRK ने किया ट्वीट। KRK ने ट्वीट कर लिखा, मैं क्विट करता हूं। विक्रम वेधा का मैं रिव्यू करूंगा जो कि आखिरी रिव्यू होगा। आप सभी लोगों का शुक्रिया।